कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट बढ़ गया है और यू हैव अ पॉट बेली स्टैकिंग आउट इवन व्हेन यू आर वॉकिंग एंड यू गेटिंग एक्सरसाइजेस ऑन सर्टेन डेज ऑफ द वीक. If yes, then this is the video for you. But before we begin, please subscribe to the Big Basket channel and notification bell ko bilkul on karna mat bhulega for more fitness related videos. To chaliye aaj ka video start karte hain. To aaj hum baat karne wale hain water retention ke bare mein. तो क्या होता है वाटर रिटेंशन? कभी कभी आर बॉडी टेंड्स टू फील ब्लोटेड और दे होल्ड वाटर. तो आज हम एक एक करके सारे रीजंस के बारे में बात करेंगे एंड हाउ वी कैन अवॉइड वाटर रिटेंशन. बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, एक डिस्क्लेमर. सम पीपल एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग ऑन अ लार्जर स्केल ड्यू टू अंडरलाइंग इश्यूज. सो गाइज, इफ दिस इज हैपनिंग टू यू फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, माई रिकमेंडेशन वुड बी गो टू अ स्पेशलिस्ट ऑल्सो, बिकॉज यू मे नॉट नो वॉट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी. तो लेट्स डाइव इनटू द व्हाई ऑफ वाटर रिटेंशन. नंबर वन, डिहाइड्रेशन. तो डिहाइड्रेशन का ये मतलब नहीं है कि हम हेल्दी नहीं हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जितने फ्लूइड्स होने चाहिए उतने हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में नहीं कंज्यूम कर रहे हैं. एंड जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा वाटर लूज करती है कम्पेयर टू सॉल्ट, तो हमारी बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है एंड कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी, जिस वजह से आर बॉडी टेंड्स टू होल्ड ऑन मोर वाटर एंड उस कारण की वजह से हम ब्लोटी या फिर सॉफ्ट फील करते हैं. तो फॉर रेगुलर एक्सरसाइज गोअर्स, उनके केस में कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, पोटेशियम का, सोडियम का, जिस वजह से हमारी बॉडी में फिर से एक फ्लूइड इम्बैलेंस क्रिएट होता है. तो मेक श्योर दैट यू आर कंज्यूमिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स थ्रू आउट द डे. And also adding an electrolyte blend can also help you go a long way. So guys, the best way to know whether you're optimally hydrated or not is through your urine color. I know it may sound weird, lekin that is the most clear indication. For example, medium to dark yellow urine means ki hum dehydrated hain and we need to drink more water. नॉर्मल लोग जो ट्रेनिंग नहीं करते या फिर जिनकी इतनी इंटेंस ट्रेनिंग नहीं होती, उनके लिए प्लेन वाटर इज जस्ट फाइन. बट एज आई सेड, फॉर एथलीट्स जिनके मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस या फिर इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उनके लिए अ स्पोर्ट्स ड्रिंक जिसमें ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का ब्लेंड होता है, दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल टू रिप्लेनिश एंड रिकवर. नंबर टू, फ्लूइड एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल. This one is for the ladies. You must have noticed how your body undergoes a change as you approach your menstrual cycle. Now, this change is mainly due to PMS. PMS, yani ki premenstrual syndrome. This is a phase where women go through physical and emotional changes. Most women experience this 7 to 9 days before their period starts. These changes primarily happen due to hormonal fluctuations through our body, estrogen and progesterone. ये fluctuation main reason होता है जिस वजह से आप हो सकता है bloated या फिर puffy feel कर रहे हो. Don't worry if you see your weight going back. It will regulate back post your cycle. Number 3, excessive sodium intake. Now sodium माने salt. Now it's not necessarily the table salt जिसके बारे हम बात कर रहे हैं, but जो हमें packed processed foods में जो high sodium content मिलता है उनकी बात कर रहे हैं. Like chips हो गए, हम salted peanuts के बारे में बात करेंगे जो packed form में आते हैं. तो हम इस चीज़ को कैसे regulate कर सकते हैं? Healthy खाना तो सबको पता है, but how is it healthy for you? तो suppose आप breakfast में अगर बेसन का चीला खा रहे हो या फिर आप oats का बोल खा रहे हो, you can just consider adding a fruit. एनी फ्रूट ऑफ योर चॉइस जो भी सीजन में आ रहा है. लंच के अंदर यू कैन कंसिडर एडिंग सम वेजिटेबल्स. अगर आपके डाइट में थोड़ा प्रोटीन कंटेंट अच्छा रहेगा, फाइबर कंटेंट अच्छा रहेगा, तो यू विल ऑटोमेटिकली फील फुलर, बिकॉज हमारी बॉडी, हमारा स्टमक, इट टेक्स लॉन्गर फॉर प्रोटीन फाइबर टू डाइजेस्ट एंड ब्रेक इट डाउन, जिस वजह से वी एंड अप फीलिंग मोर सेशिएटेड. तो लंच या फिर डिनर में आप दही भी ऐड कर सकते हो, विच हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. एडिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, ब्रोकली एक्सेट्रा विल काउंटरएक्ट दिस सोडियम इफेक्ट एंड हेल्प यू रिड्यूस वाटर रिटेंशन. नंबर 4, स्ट्रेस. नाउ वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी. यहाँ पे 20 साल वाले लड़के को भी स्ट्रेस है एंड 50 साल के इंसान को भी स्ट्रेस है. तो हाउ डू वी रेगुलेट इट? स्ट्रेस बहुत टाइप के हो सकते हैं यार. आपकी लाइफ में फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है जो कि ट्रेनिंग से आता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेसेस, इतने सारे लाइफस्टाइल के स्ट्रेसेस भरे पड़े हैं. तो हाउ डू वी रेगुलेट इट? एंड जिस वजह से कभी कभी हमारी बॉडी टेंड्स टू रिलीज हॉर्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, जिस वजह से आर बॉडी टेंड्स टू होल्ड ऑन टू मोर वाटर. इट कैन ऑल्सो डिस्टर्ब द फ्लूइड बैलेंस इन आवर बॉडी, जिस वजह से हमारी बॉडी वाटर रिटेन करती है. तो कभी कभी कुछ लोग स्ट्रेस के अंदर आके इमोशनल ईटिंग करते हैं, जिस वजह से हम अनहेल्दी फूड ऑप्शंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके पिक कर लेते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इजी टू कंज्यूम एंड बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं. एंड इस पॉइंट पे इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू कंज्यूम हेल्दियर फूड ऑप्शंस लाइक कर्ड, योगर्ट, प्रोटीन बार्स, नट्स एक्सेट्रा, और अ हाई प्रोटीन मील और हाई फाइबर मील, जिस वजह से यू विल, योर बॉडी विल फील फुलर एंड फील सेशिएटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो यार, ऑन अ साइड नोट, एवरीवन बॉडी इज डिफरेंट, एवरीवन बॉडीज रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट. तो हो सकता है कुछ लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट करे स्ट्रेस की वजह से, कुछ लोगों की बॉडी को उतना ज़्यादा ना इफेक्ट करे. तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज विल वेरी. नंबर 5, अल्कोहल.
नाउ अल्कोहल एक ड्यूरेटिक होता है. ड्यूरेटिक मतलब हमारी बॉडी में यूरिन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है. वी टेंड टू गो टू द बाथरूम मोर ऑफन. आपने नोटिस किया होगा ये, जब भी आप अल्कोहल पीते हो आपकी जो बाथरूम की ट्रिप्स हैं उसी एक नाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. नाउ एक और ट्रिक जो बार या फिर कैफेज यूज़ करते हैं, आप लोगों को सॉल्टी स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं. तो ये हमारी बॉडी में फ्लूइड आउटपुट को रिड्यूस कर देता है, विच मीन्स आवर बॉडी रिटेन्स मोर फ्लूइड थैंक्स टू ADHD's इफेक्ट ऑन किडनीज, जिस वजह से हम और थर्स्टी होते हैं. वी ब्रिंग इन मोर अल्कोहल इंस्टेड ऑफ वाटर. तो मेक श्योर जब भी आप पार्टी करने जा रहे हो और यू आर हैविंग फ्यू ड्रिंक्स विद योर फ्रेंड्स, मेक श्योर टू स्टे वेल हाइड्रेटेड. ऑलवेज कंज्यूम वन ग्लास ऑफ वाटर, वन और टू ग्लास ऑफ वाटर बिटवीन एवरी ड्रिंक. सो गाइस दीज आर सम की पॉइंट्स जो आप ध्यान में रख सकते हो एंड यू कैन कीप अ नोट ऑन नेक्स्ट टाइम यू एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन. बट मेक श्योर कंसिस्टेंसी इज द की. आप ये मत सोचिए कि डे वन से आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी. मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स फॉरवर्ड एवरी सिंगल डे, चाहे वो वॉक करना हो, चाहे वो एक्सरसाइजिंग हो. मूविंग इज द गोल, बी इट एज लिटिल एज पॉसिबल. तो गाइस दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो. डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द बिग बास्केट चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.